हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे लिखा है ग्रांट कार्डोन ने और इस बुक का नाम है द 10x रूल। ग्रांट कार्डोन एक सेल्स ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं जो दुनिया भर की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। वे 3 कंपनियों के मालिक भी हैं। ऑथर कहते हैं कि 10x रूल हमें सफलता की तरफ मोटिवेट करती है कि किस तरह हम अपने बिजनेस के साथ साथ अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आज हमारी आंखें भी नहीं पहुंच पा रही है। इसे पढ़कर आप अपनी सोच के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अलग अलग लोग सफलता को अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन सफलता को जान पाना बहुत मुश्किल है। सालों से लोगों ने सफलता पाने के लिए आसान कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें असफल रहे। ज्यादातर लाइफस्टाइल गुरु पुराने आइडियाज के सेल्समैन होते हैं जिन्हें सफलता के सारे स्लोगन्स पता है, लेकिन उन्हें लोगों की सफलता के तरफ ले जाना नहीं आता। इस वीडियो में हम सफलता पाने के 10x रूल को देखेंगे। ये बुक एक टॉप सेल्स ट्रेनर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस पर आधारित है। हम इस बुक के आसान से नियम को फॉलो करके वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे पहुंच से बाहर हुआ करता है। आपको लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी किताबें मिलेगी जिनमें सफलता को पाने के तरीके के बारे में बताया गया होगा, लेकिन इतने सारे तरीकों में से सही तरीका चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इससे पहले आप कोई ऐसे दूसरे सक्सेस फॉर्मूला को खोज करें, 10x रूल पर एक नजर डालें। ये रूल आपको निश्चित तौर पर सफलता दिला कर रहेगी। 10x रूल कहता है कि सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपने जितना सोचा है आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिजनेस में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कंपटीटर से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, आप उसके लिए दिन में 10 फोन कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दिन में 100 फोन कॉल करने होंगे। 10x रूल से आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 10x रूल का दूसरा भाग कहता है कि आपके सपने आपकी हकीकत से 10 गुना बड़े होने चाहिए। इसके लिए आपको वो सपने देखने होंगे जो शायद आपके सपने से भी बाहर हो। छोटे सपने देखकर हारने से अच्छा है कि आप बड़े सपने देखकर हारें। जैसे कि अगर आप एक ऑथर बनना चाहते हैं तो 2 पेज की कहानी लिखने के बजाय एक नॉवेल लिखने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप 2 पेज की कहानी लिख भी लेते हैं फिर भी आप खुद को एक राइटर नहीं मानेंगे। इस तरह से 10x रूल हमें बड़े सपने देखने और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होने से ही आपकी सफलता नहीं मिलती। मार्केट में सफलता पाने के लिए आपके पास सही नजरिया होना चाहिए। इसके लिए आपके पास परेशानियों से निपटने का हुनर होना चाहिए। इसलिए 10x रूल आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। अगर आप 10x रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आने वाली हर समस्या का सामना करना होगा। सोचिए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट लाइन में 1,00,000 प्रोडक्ट बेचने हैं जबकि दूसरे सेल्समैन सिर्फ 10,000 ही बेच पा रहे हैं। आपके इतने बड़े गोल का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आएंगे जिससे आप सफल हो जाएंगे जबकि दूसरे फेल होते हुए दिखेंगे। यह रूल सफलता के लिए बहुत सी गाइडलाइंस भी देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सफलता को हर कोई हासिल कर सकता है। 10x की सोच के साथ आप दूसरों को नुकसान किए बगैर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक नया सेलफोन मार्केट में लाते हैं तो आप एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, आप सभी की भलाई कर रहे हैं। दूसरे बिजनेसमैन शायद आपको जलन की भावना से देखें, लेकिन वो भी आपसे कुछ सीखकर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से 10x रूल की मदद से आप अपने आप को सब कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हम या तो कुछ भी नहीं करते या पीछे मुड़ जाते हैं, या उसका सामना नॉर्मल तरीके से करते हैं, या फिर डटकर सामना करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना डटकर करना होगा। जब आपका आमना सामना किसी चुनौती से हो तो आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर पूरा जोर लगाकर उसका सामना कीजिए। आप ये मत सोचे कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी, आप बस डटकर उस चुनौती का सामना कीजिए। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो जब तक वह बिक ना जाए तब तक अपना काम करना मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। आपको सफलता सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। आप खतरों को न देखकर मंजिलों को देखें। अगर आप एवरेज हैं तो अपनी सीमाओं को बढ़ाकर खुद को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएं। ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप सिर्फ कल या परसों के बारे में सोचते हैं तो आप एवरेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दूर तक सोचना होगा। एवरेज होने का मतलब आप कभी भी टूट सकते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग गरीब ही हो गए थे। अगर आपने कभी पोकर खेला है
तो आपको पता होगा कि ऑल इन वन होना बहुत रिस्की होता है। इससे आप या तो सब कुछ जीत जाते हैं या सब कुछ हार जाते हैं। लेकिन असल लाइफ में अपना सब कुछ दांव पर लगाना इतना रिस्की नहीं है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब है अपना पूरा जोर और पूरा एनर्जी लगाकर एक नए आइडियाज के साथ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ना। सबसे पहले आपको एक ऐसा गोल तय करना होगा जिसको पाने के लिए आप मोटिवेट हो सके, और फिर आपको अपने उस गोल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होगा। बड़े बड़े सपने देखने से आपको बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी होगी। अक्सर लोग ऐसी हालात में टूट जाते हैं, इसीलिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर वो काम करना है जिससे आपको सफलता मिले। आप असफल लोगों से सीखिए, न कि उनकी गलतियों को दोहराएं। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आपको अपने सपने को खुद पर हावी होने देना होगा। आप बच्चों से काफी कुछ सीख सकते हैं। जब उन्हें कोई नई चीज मिलती है तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी और टाइम दे देते हैं। आपको भी अपनी मंजिल को पाने के लिए यह करना होगा। जब लोग आपको इतनी मेहनत करते हुए देखेंगे तो वो भी आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए आपको बहाना बनाना और हारने से डरना छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देना होगा। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। 10x रूल में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना है। सफलता की राह में आप बहुत कुछ सीखेंगे। उन चीजों पर से अपना ध्यान हटाइए जो आपको काम करने से रोकती है। अपनी आंखों को सिर्फ अपने गोल पर रखें। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अपने गोल्स की चिंता करें। अगर आपको ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि ज्यादा आगे जाने से उनके अपने उनसे जलने लगेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या फेसबुक और कोको कोला के आगे बढ़ने से उन्हें कोई परेशानी हुई है? आपको अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। इन दोनों चीजों पर काबू पाने के लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। अपने समय को ध्यान में रखकर काम करें और उसे सही से इस्तेमाल करना सीखें। अब जब आप 10x रूल को अपने लाइफ में अप्लाई करना जान जाएंगे तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपको अपना गोल कैसे चुनना है। आप वो बिल्कुल मत करिए जो आपके आसपास के लोग करते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ले लीजिए। हम सभी को यह बताया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के पास ज्यादा कस्टमर नहीं होते, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर को बढ़ाना होगा। आपको अपनी एनर्जी नए कस्टमर्स को खोजने में लगानी चाहिए। ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनी जैसे गूगल और एप्पल ने सबसे पहले अपने कस्टमर्स बढ़ाए। वे जानते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि कस्टमर फीडबैक से हमेशा आपका ही फायदा होगा। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपको मार्केट में अपनी एक पहचान बनानी होगी। एक बार आपने अपना गोल चुन लिया तो आप उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अपने गोल को देखते हुए अपने काम का लिस्ट बनाएं और उसे करिए। तो अगर आपके प्रोडक्ट का 1,00,000 यूनिट बेचने हैं तो आपको वहां तक पहुंचने का तरीका खोजना होगा। क्या इसके लिए आपको अपने मार्केटिंग की बजट बढ़ाना चाहिए या फिर आपको एडवर्टाइज करनी चाहिए? एक बार आपने अपने काम का लिस्ट बना ली तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या करने से आपका काम हो रहा है और क्या करने से नहीं हो रहा है। अगर कुल मिलाकर इस वीडियो को समराइज करें तो 10x रूल अपने गोल और फोकस को बढ़ाकर वो हासिल करने के बारे में है जो आपके सोच और पहुंच के बाहर है। 10x माइंडसेट के साथ आप बड़ा सोचकर, ज्यादा मेहनत कर और ज्यादा प्रेरित होकर अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बुक समरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेता हूँ इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना उम्मीद उड़ान, मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।